नमस्ते ब्रजेश हरी वीडियो, आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं XUV 700 का टेस्ट ड्राइव। आप देख सकते हैं मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ प्रेजेंट में, और मैं ये कह रहा हूँ गाड़ी नो डाउट अच्छी है, ऑटोमेटिक गियर के साथ चला रहा हूँ। सॉरी, अच्छी मैं दिखाना भूल रहा हूँ, क्योंकि जो कैमरा मैन है ना प्रेजेंट में, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ से न्यूट्रल लेते हैं गाड़ी को और थोड़ी सी खींच के देखते हैं गाड़ी कैसी चलती कैसी नहीं चलती, थोड़ा सा वो, क्योंकि मैंने जिस बंदे को कैमरा दिया थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं था मैं, प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ आपसे। जो भी शूटिंग हुई हो, जो भी हुई, जितना भी आपको दिखता है गाड़ी के मतलब डिस्प्ले में, मीटर वगैरह में, XYZ जितना भी आपको दिखता है, वो आप आराम से देखते रहिए और इन्जॉय लीजिए टेस्ट ड्राइव का मज़ा। देखिए, ये गाड़ी ऑटोमेटिक में आती, विदाउट पेडल शिफ्टर के अंदर आती। पेडल शिफ्टर्स के अंदर मैनुअली दिए गए, मैं आपको बता दूँ, जो गियर के, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में जो होता है, वो इस टाइप के पेडल शिफ्टर्स के अंदर दिए गए ऑटोमेटिक में चलाने का, मैं आपको बता दूँ। लेकिन नो डाउट इसका इंसुलेट पिकअप जो इतना अल्टीमेट है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, चलता अच्छा है, बढ़िया घूमता है, मतलब जैसे आपको जो फंटू ड्राइव चाहिए वो इस कार के अंदर है। और जैसे पंजा जो कहते हैं ना अपन, पंजा गाड़ी झेलती नहीं है, वो बात इसके अंदर है, पंजा गाड़ी बाकी में नहीं झेल रही है। और मैंने इस गाड़ी को दोनों मोड में चलाया, मैनुअल और ऑटोमेटिक में, दोनों मोड में चलाया, लेकिन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों अंदर अच्छी चलती है। आप स्पीड वगैरह देख सकते हैं, लेकिन आजकल इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना और म्यूजिक सिस्टम है, इस कितना अल्टीमेट लगता है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा प्रीमियम फील इन्होंने दिया है। हालांकि देखते हैं जो गाड़ी बुकिंग में आएगी, कस्टमर रेटिंग का रहेगा, उसका पता पड़ेगा भाई बंदा कैसे की रेटिंग देता है, कैसे रेटिंग देता है। ओवर एक्ट मतलब इसके अंदर ओवर टैग वगैरह बिल्कुल काफ़ी अल्टीमेट। स्टेयरिंग लाइट बहुत अच्छी है, फीडबैक अच्छा है, स्पीड के अंदर इसकी स्टेयरिंग भी हैवी हो जाती है, या मैं पकड़ पकड़ के चला रहा हूँ। और मतलब अच्छी कूलिंग भी अच्छी कार की, गियर बॉक्स भी अच्छा है, राइवल गियर बॉक्स है। थोड़ा सा आपको दूसरे और तीसरे गियर के अंदर थोड़ा सा आपको जर्क फील होगा, ओनली थोड़ा सा जर्क फील, ना कि आपको मतलब जैसे आप चलाते रहेंगे तो अपने को अपने आदत पड़ जाएगी। जैसे मैंने गाड़ी पहली बार चलाई है, तो पहली बार ही मैं, अब ऑटोमेटिक भी पहली बार चलाई, मैं आपको बताऊँ मैनुअली चलाते रहते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा पहली बार हमने गाड़ी चलाई है, तो इस चीज़ की पहली बार चलाने का अलग ही फील होता है ऑटोमेटिक का, मैं आपको बता दूँ। और इस गाड़ी का जो पिकअप है, रेडिंग है, सब इतना अल्टीमेट है, काफ़ी हज नहीं है, 120 130 तो ये गाड़ी नॉर्मली चढ़ जाती, हाल की साल एकदम एकदम भागती है एकदम। और भागने का भी अपना अलग टेस्ट है, मैं आपको, तो मैंने 2 से 3 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लिया एक्चुअली, क्या थे वो मेरे पास भी टाइम कम था। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई है, 2 अक्टूबर को मुझे टेस्ट ड्राइव मिल गई इस गाड़ी की। टेस्ट ड्राइव भी काफ़ी मतलब अब जो मतलब उन्होंने टेस्ट ड्राइव दे दी, ठीक है, इस गाड़ी का बीमा वगैरह कुछ नहीं है इस टाइम पे अभी, लेकिन टेस्ट ड्राइव दे दी मुझे, टेस्ट ड्राइव मिल गई इस गाड़ी की। मैंने अच्छी टेस्ट ड्राइव भी ली है, बढ़िया टेस्ट गाड़ी चली है। 3 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाई, मतलब 3 किलोमीटर मैं चलाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। और मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद वीडियो बनाई कि भाई पहले गाड़ी चला लूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा, पहले मैं अपना टेस्ट देख लूँ कैसा क्या, फिर अपनों को आपको बताऊँगा। तो यही मेरी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी मैंने जरूर बताना, वीडियो का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और टेस्ट ड्राइव के लिए आपको गाड़ी चाहिए हो तो आप रॉयल महिंद्रा के अंदर आ जाए ग्वालियर के अंदर।